बहुउद्देश्य परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहब में मंगलवार से गोवंश रक्षा को लेकर अनशन पर बैठे लोगों का सरकार के आग्रह पर प्रशासन के माध्यम से अनशन तोड़ने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने गोवंश रक्षा को लेकर अनशन पर बैठे लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गौ सेवा के लिए 2019 में आयोग बनाया है, जिसके अंतर्गत जिला सिरमौर में बेसहारा गोवंश के रखरखाव हेतु 13 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें 1265 मवेशियों को रखने की क्षमता है। इन गौशालाओं में फिलहाल 1037 मवेशी रखे गए हैं, जबकि इनमें 188 मवेशियों को रखने की क्षमता शेष है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा जिला सिरमौर की गौशालाओं में पल रहे बेसहारा गोवंश के रखरखाव के लिए लगभग 62 लाख रुपए की राशि अगस्त 2020 से अगस्त 2021 तक अनुदान के रूप में दी गई है। सर्वप्रथम तो मैं सचिन ओबराय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार के आग्रह पर प्रशासन के माध्यम से अपना अनशन तोड़ा है। मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा के सुरक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे भी जब से प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फरवरी 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने गौ सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश में गठित किया और जिसके माध्यम से आज केवल जिला सिरमौर में 13 गौशालाएं कार्यरत हैं। उनमें से एक गौशाला को छोड़कर सभी को प्रदेश की सरकार के माध्यम से और गौ सेवा आयोग के माध्यम से 500 रुपया प्रति गौ माता जो है हर महीने दिया जाता है। कौन सेंचुरी हमारी कोटला बड़ोग में है, जिसमें वर्तमान में 109 गौएं वहां पर हैं। मैनकाइंड पांवटा साहब में 49 पशु हैं, गौशाला गौएं वहां पर रखी गई हैं, परंतु ये सरकार से एड नहीं लेते, गौ सेवा आयोग से। एमसी पांवटा 50 गायें वहां पर इस समय है इस गौशाला में, केशव गौशाला में, और इसको भी पिछले 3 महीने से जो है हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सिरमौर से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा,
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।